तो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम दोपहर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट वो भी पॉकेट एडिशन में। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं अपना एक वो आयरन गोलम का फार्म जिसमें हमें इनफाइनाइट आयरन मिल सकता है। तो आप इसको किसी भी चीज़ में बना सकते हो, आप माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का वैसे बेड रॉक में आप बना सकते हो, जैसे बेड रॉक सेम ही हो गया यार। किसी में भी खेलते हो आप, बेशक लैपटॉप में, कंप्यूटर में, महंगे वाले वो कटे हुए सेब में, तो किसी में भी चल जाएगा। तो गाइस वो देखो, आपको चीज़ दिखाता हूँ चल के बनाने से पहले। सामान तो सारे इकट्ठा कर लिया है, जगह मैंने प्लेन कर दी है भाई। देखो कल मैंने 2 घंटे माइनिंग करी और मेरे को इतना डायमंड मिला। तो आप सोच रहे हो कि भाई ये कैसे मिल गया ऐसे। तो भाई देखो सिल्क टच लगी है मेरे इसमें, तो मेंडिंग भी है, तो रिपेयर भी आती है साथ साथ। तो मैं थोड़ा थोड़ा लैपिश भी कर लेते हैं। और ये 2 एमराल्ड के ब्लॉक मिले भाई, सिर्फ 2 एमराल्ड के, और ये इतने सारे मेरे को मिले हैं डायमंड के। ये अपना फार्म एकदम मस्त चल रहा है, बंद कर रखा है मैंने। इसमें आपको बैम्बू इनफाइनाइट मिलता है, अरे बैम्बू फार्म भी बनाएंगे। और कैल्प तो भाई इनफाइनाइट ही है। तो भाई 3 XP है, देखते हैं हमें कितनी बढ़ती है पहले से। भाई 10 हो गई, देखो 3 से सीधा 10। देखो 15 18 21। तो बेसिकली भाई ये रिपेयर करने के काम आ जाएंगे। तो मेरी 100 XP थी, तो मैं सारी मैंने खर्च कर दी। तो मैंने 50 और करी थी, 150 XP हो गई थी, तो मैंने इन सब में लगा दिया सब कुछ। इसमें देखो भाई ये सबसे पावरफुल सोर्ड, तो इसको पहले इसमें डाल देते हैं। भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी चलते हैं अपना फार्म बनाते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है इस फार्म में विलेजर्स को लाने में। भाई विलेजर को लाने में हालत ख़राब हो जाएगी। और भाई बैम्बू से मैंने ये भी बना लिया है थोड़ा स्काफोल्डिंग, तो भाई इससे आसानी होती है चढ़ने उतरने में। तो शीप क्या कर रही है यहाँ पे? अच्छा तो आएगी, ले चल। तो भाई फायर एस्पेक्ट लगा इस पर, तो मैं बना हुआ खाना मिल जाता है इससे। सबसे पहले अपने को रुक जाओ पहले भाई, स्पाइडर की वजह से कहाँ है भाई स्पाइडर? तो अपने को पहले भाई इन्वेंट्री खाली करनी पड़ेगी, खाने पीने का मामला ले लेंगे अपना। ये दो चीज़ इसको ऊपर रखो, इसको भी सब कुछ ऊपर रख दो। अरे देखिए अपना बेड यहाँ लगा दो भाई। और अब ले लेते हैं अपना सामान, ब्लॉक्स वगैरह। चलिएगा मैंने ब्लॉक ले लिया यहाँ से। यहाँ से अपने को जाना है 1 2 3, अरे 4 ब्लॉक जाने के बाद यहाँ से सीधे जाना है 20 ब्लॉक्स। 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7। चलेगा ऐसे 20 ब्लॉक हो चुके हैं। अब इस साइड हमें यहाँ से 20 ब्लॉक जाना है, मतलब एक स्क्वायर बनाना है 20 ब्लॉक्स का पूरा। तो इसको पूरा फिल भी करना पड़ेगा हमें, तो जल्दी से इसको कर देते हैं पहले। तो चलेगा इस 20 बाई 20 का बन चुका है, इसको फिल कर देते हैं जल्दी से। इसको अब अपने को फिल करना है भाई, बहुत टाइम लगने वाला है फिल करने में इसको। तो मैं आपको फिल करने के बाद मिलता हूँ। तो चलेगा इस, बस ये फिल हो गया। चलेगा इसमें इसको फिल कर दिया है, अब बस साइड से अपने को 2 ब्लॉक ऊपर जाना है। तो इसको पूरा फिल कर देते हैं पहले, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चले गए इसको, तो मैंने फिल कर दिया है पहले भाई। थोड़ा सा यार ऊपर नीचे आने का रास्ता बना ले यहाँ से। हाँ तो यहाँ से जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कोने में 1 ब्लॉक लगाना है ऐसे, 1 2 3 4, अरे 5, और गलत लग गया है, एक एक्स्ट्रा लग गया, इसको हटा देते हैं। 5 ब्लॉक लगाने हैं यहाँ पे भी, 1 1 2 3 4 5। फिर हम बीच में एक और लगाना है यहाँ से, 1 2 3, यहाँ से 1 2 फिर 3, फिर यहाँ से 1 ब्लॉक, फिर यहाँ 1 ब्लॉक लगाना है, फिर यहाँ 1 ब्लॉक लगाना है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे जल्दी से दूसरे साइड भी कर देते हैं, 1 ब्लॉक यहाँ, 1 2 3 4, और ये 5। यार हमेशा गलत लगता है 5 का ब्लॉक, इकट्ठा कर लेते हैं।
यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ एक ब्लॉक, यहाँ 1 2 3, भाई ब्लॉक ख़त्म हो गए, ब्लॉक लेके आने पड़ेंगे। तो भाई सारे ब्लॉक ख़त्म हो गए, जरा पहले बना के लाता हूँ यार मैं ब्लॉक। चलिए गाइस मैं बना के ले आया हूँ ब्लॉक, जल्दी से पहले ऊपर चलते हैं, मैं थोड़ी स्काफोल्डिंग और लगानी पड़ेगी। जल्दी से चलते हैं ऊपर, जल्दी से ब्लॉक लगा देते हैं भाई, बना के तो ले आए हैं। 1 2 3, तीन ब्लॉक लगा दिए, फिर यहाँ एक, यहाँ ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक, ऐसे जल्दी से चारों साइड कर देते हैं। तो चलिए गाइस इसको मैंने पूरा फिल कर दिया है, तो ऊपर बस हमें ग्रास ब्लॉक लगाने, क्योंकि भाई गोलम जब स्पॉन होंगे तो इसके ऊपर ना हो जाए वो स्पॉन। जल्दी से लगा देते हैं भाई ग्रास ब्लॉक सब पे। ग्रास को आप शेयर से क्लट कर सकते हो, मैंने भाई शेयर से करी थी, सारे पेड़ नंगे कर दिए मैंने। तो जल्दी से हर जगह लगा देते हैं। तो चलिए गाइस ये सब तो लीव पूरी बिछा दिया है, अब इसमें पास पानी डालना है, तो दिखा देता हूँ भाई पानी कैसे डालते हैं। भाई पहले इस ब्लॉक को तोड़ देंगे, तो भाई सोच रहा हूँ ऊपर चल के पानी डालें यार, क्या तो पानी भाई डालने से रहा, मैं पानी बहा के ले जाएगा। तो हमें एक वाटर बकेट डाल लिया यहाँ पे, तो गाइस ऐसे सब में पानी डाल देना, तो जल्दी से पानी डाल देते हैं सब में। पानी डालने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, और हाँ इन सभी ब्लॉक्स में ही पानी डालना जितने यहाँ ब्लॉक्स हैं, तो उन्हें पहले पानी डाल देते फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चले गए इसमें सारे में पानी डाल दिया है, तो यहाँ से 9 ब्लॉक्स बचेंगे, तो हम 9 ब्लॉक को तोड़ देते हैं। तो 9 ब्लॉक को तोड़ते हैं, यहाँ से पानी नहीं आ रहा होगा, ग्लास लगा हुआ है। तो यहाँ मैंने पहले चेस्ट लगा दिया, तो हमको यहाँ इसको कवर करना है, इसको हटा देते हैं। इस पूरे को ब्लॉक से कवर कर देंगे, 3 हाइट तक इसको कवर करना है हमें। वहाँ से एक ब्लॉक छोड़ देंगे, इसको तोड़ देते हैं पहले, बाइस से यहाँ हॉपर अटैच कर देते हैं। तो भाई एक स्लैब लेके आना पड़ेगा यार, स्लैब लाना भूल गया मैं, जल्दी से यहाँ से स्लैब बना के लाते हैं भाई। यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ ये ब्लॉक लगा देते हैं, और यहाँ नीचे साइड एक स्लैब। तो भाई उससे पहले अपने को पानी डालना था अंदर, मैं भूल के डालना, और भाई और भी थोड़ा काम करना है, उसको हटा देते हैं यहाँ पे। भाई सोच रहा हूँ फ्लोर बना दो यार, अपने पास ब्लॉक तो बतेरे पड़े हैं, इसको हटा देते हैं। थोड़ा दिखने में अच्छा लगना चाहिए ना, चलेगा। हमने फ्लोर बना दिया है यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ पे साइन बोर्ड लगाने हैं। भाई साइन बोर्ड में लाना भूल गया, तो भाई पहले साइन बोर्ड ले आते हैं। चलिए गाइस मैं काफ़ी सारे साइन बोर्ड ले आया हूँ, एक साइन बोर्ड यहाँ लगाना है आपको, और एक साइन बोर्ड यहाँ, ऐसे हमें तीनों साल हर तरफ लगा देना है, क्योंकि भाई इससे अलावा नीचे नहीं आएगा। तो चलिए गाइस साइन बोर्ड लग चुके हैं, तो यहाँ हमें पानी डालना है, तो यहाँ पे हमें ऊपर तरफ लगाना है स्लैब। स्लैब में अभी से पानी बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ से बंद कर देते हैं।
इसको नहीं कर सकते। अब भाई जल्दी से ऊपर चलते हैं पहले। भाई यहाँ से इसको लगा देते हैं। तो भाई इतना आके अभी यहाँ हमें लावा डालना है। तो भाई लावा थोड़ा संभाल के डालना पड़ेगा भाई, हम पूरी ना गिर जाए। लावा हमें लावा डाल देना है, तो लावा यहाँ पूरे में फैल जाएगा। भाई जल्दी चलते हैं अब, क्योंकि भाई खुद ही नहीं मर रहा है हमें। मैंने पहले प्लेटफॉर्म बना लिया यार, इसको तोड़ देते सबको। तो भाई मुझे पता है सारा लावा में जाएगा। चलेगा, इतना काम तो अपना हो चुका है। अब हमें जाना है उस साइड। ब्लॉक्स अपने पास बतेरे पड़े हैं, एक ग्लास ब्लॉक भी है, ग्लास भी ले लेते हैं। तो गाइस इतना आने के बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें एक ब्लॉक लगाना है और यहाँ से हमें तीन ब्लॉक आगे जाना है। वन तो हो गया, टू थ्री, तीन ब्लॉक आगे आने के बाद सर यही तीन ब्लॉक इसको हटा देते हैं और यहाँ से हमें चार ब्लॉक आगे जाना है। वन टू थ्री और ये फोर। इतना आने के बाद हमें इन ब्लॉक को तोड़ देना है सर। इसी ब्लॉक को रखना है जो लास्ट वाला ब्लॉक हमें लगाया था भाई। कोई जरूर लगता होगा थोड़ा सा गिरेगा जरूर मैं। चलिए गाइस काफ़ी रात भी हो गई, पहले सो जाते हैं। चलिए गाइस इतना आने के बाद हमें यहाँ एक कैप्सूल सा बनाना है। एक ब्लॉक यहाँ लगाएंगे क्योंकि चारों तरफ एक ब्लॉक लगा देना है हमें, जिसमें कि हम विलेजर्स को ला के रखेंगे। ब्लॉक को तोड़ देना है भाई। अभी लगा देते हैं यार टेम्परेरी ब्लॉक के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं ही गिरूंगा इसके अंदर। तो चलेगा इतना मैंने बना दिए, चार कैप्सूल बना दिए जिसमें कि विलेजर को हम रख सकते हैं। तो जल्दी से भाई इसमें विलेजर ले आते हैं। तो भाई वो बहुत लंबा होता है, जैसे मैं वो दिखाऊंगा नहीं भाई। तो चलिए गाइस मैंने इसमें विलेजर डाल दिए हैं भाई। डेढ़ घंटा लग गया इसमें विलेजर को डालने में, जैसे तो अभी भी रेल बिछी पड़ी है। यहाँ मैंने बेड भी लगा दिया है इनके, जो इनसे लिंक हो चुके हैं। और हमें अब क्या करना है, हम चलते हैं बीच में यहाँ पे। चलेगा यहाँ बीच में आ चुका हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पलिंग टेबल रखना है। तो भाई कौन सा विलेजर लीक हुआ है, बार तोड़ लग गया इसको, समझ नहीं आया कौन सा लीक हुआ है। वो भाई गया है किचन टेबल यार, दोबारा बना के लाना पड़ेगा। चलेगा अपना फार्म बन के जब मैं तैयार है आपको दिखाता हूँ भाई कैसे काम कर रहा है। कितने सारे हमारे पास टैक्स हो चुके हैं आयरन के, आयरन ले लिए थे भाई। अपने पास तोड़ लिया बता देते हैं, बेड भी अपना तोड़ लेते हैं, बताते बाद में मरे तो मैं यहीं स्पॉन हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसा काम कर रहा है। तो भाई मैं ऊपर तो जा नहीं पाऊँगा भाई, ब्लॉक कितने लगा देते हैं यहाँ पर।
भाई जो मस्त काम कर रहा है अपना काफ़ी सारी। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।